नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ फरुखाबाद सातनपुर मंडी में। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं आलू की आवक लगभग 60 से 70 मोटर की लग रही है। अभी हम यहाँ पर किसानों से आलू के बारे में बात करेंगे और आढ़तियों से पूछें कितनी आमदनी है और क्या रेट आलू बिका है और इस क्षेत्र में कितनी आलू की खुदाई हो चुकी है व आलू की समस्त जानकारी यहाँ किसानों से बात करके आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन लाल। आपकी दुकान का क्या नाम है? अनिल कुमार रोहित कुमार। अनिल कुमार रोहित कुमार। हाँ, ये जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं आज न्यू हॉलैंड आलू, ये क्या रेट बिका है? 1500 रेट आज। ये आप वीडियो में देख सकते हैं हॉलैंड आलू है 1501 रुपये क्विंटल, फरुखाबाद सातनपुर मंडी में बिका है। और ये ख्याति आलू हाइब्रिड, ये क्या रेट बिका है? ये 1300। ये ख्याति आलू बढ़िया आलू एक दो चेचे गए और ये 1301 रुपये क्विंटल बिका है आज फरुखाबाद मंडी में। आज फरुखाबाद मंडी में क्या कैसी बिक्री हुई आलू की? आलू बिक्री हुई 11.5 भाई है, 13 भाई, 13.5। और लिवाली कैसी है मंडी में? लिवाली ढीली है। ढीली है, 300 रुपया हर आलू पर चले गए। आज क्या रेट तक आलू बिका है? आज 13, 13.5, 14। और ये जैसे परसों आलू सारे 2400 रुपए क्विंटल तक बिका, आज 1500 रुपए क्विंटल हॉलैंड बिका, तो 800 रुपए 900 रुपए क्विंटल की नहीं। आज भी अच्छे आलू हैं, 16-17 बिके हैं। जब एक अच्छे चेक इसमें चेचक है इसलिए डाउन बिका है भैया, 16-17 रुपए तक हॉलैंड बिको। आज फरुखाबाद मंडी में आलू की वो आवक कैसी रही, आमदनी कितनी रही? आवक तो सही है लेकिन कल से थोड़ी बहुत कम है, 70-80 मोटर आज आया हुआ आलू। और लिवाली सुस्त है या फिर सही है? डाउन है लिवाली। लिवाली का डाउन ना होती तो फिर जो है भाव क्यों कम रहा? तो और इसका कोई क्या कारण है जो अभी भाव डाउन चल रहा है, कि मंडियों में डिमांड कम है या डिमांड कम है सब, या इस वजह से अभी कोल्ड वाले भी नहीं ले रहे हैं? एक जगह मैंने मंडी में बात की वो बता रहे थे कुछ दागी आलू आने लगा है इसकी वजह से सस्ता है। नहीं दागी वजह नहीं, साउथ वाले कुछ चले गए, आगरा वाले थे वे चले गए, डिमांड कुछ साउथ वाले सब आगरा चले गए। जो साउथ वाले यहाँ फरुखाबाद मंडी में आलू खरीदते थे वो आगरा और ससुराल की साइड में आलू खरीदने लगे, खरीदने इस वजह से थोड़ा डाउन हुआ है। डाउन दोस्तों आलू ले लो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रूप सिंह साग के। तो आप आलू के व्यापारी हो फरुखाबाद मंडी में? व्यापारी भी हैं, आड़ती भी हैं। आपकी आड़त भी है? क्या क्या नाम आपके फर्म का है? मैं सर रूप सिंह साग के। ये कितने नंबर पे एक बार बता दो आप? ये तीसरी तीन कुन्ने पर आया, दूसरी साइड में, दूसरी तीन साइड के पश्चिमी कोने पर। आज फरुखाबाद में आलू की लिवाली कैसी रही फरुखाबाद मंडी में? आलू लूज है बहुत, और जो रेट आज 4 दिन से रेगुलर डाउन हो रहा है। 4 दिन से डाउन हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसका क्या कारण है, किस वजह से डाउन हो रहा है? मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी मतलब जैसे लाई नहीं होती है तो उन्होंने पैसे के ऊपर लड़ाई करके भाव को इतना बढ़ा दिया है। कोई ट्राली एक इतना 2400 में ले ली, कोई 2000 में ले ली, तो उस वजह से काश्तकार के दिमाग में ये आ गया भाव ये रहना चाहिए। जैसे व्यापारियों में आपस में कंपटीशन, कंपटीशन झगड़ा, मतलब काश्तकार का झगड़ा होता है वो लाठी चलाता है, व्यापारी में झगड़ा होता है एक दूसरे को पैसे में नीचे दिखाना चाहता है, भाव ऊंचा लेना चाहता है, तो वही हुआ कंपटीशन इतनी बढ़ा दी कि 2400 रुपये आलू बिक गया यहाँ। तो जैसे ये परसों 2400 रुपये क्विंटल न्यू हॉलैंड आलू बिका है, कहीं मंडियों में 2400 रुपये क्विंटल जहाँ कहीं जाता है वहाँ पर बिक रहा है? नहीं नहीं नहीं, कहीं बिक्री नहीं थी। जैसे उससे एक दिन पहले भी 1700-1800 वो कुल मिला के नुकसान हुए हैं, मतलब कंपटीशन में नुकसान हुए हैं, उसी वजह से ये रेट डाउन है। और पूरी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह रेट डाउन है, और जो फरुखाबाद का रेट था ये रेट कहीं पूरे आलू यूपी में या नहीं है कहीं। जैसे और जगह हम जाते हैं, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने पर डे नहीं आता हूँ, समझ मेरा ये पश्चिम बंगाल का चैनल है, फिर बंगाल में ये आलू की रिपोर्ट जाती है। जी जी। और मैं सिरसागंज भी जाता हूँ वीडियो बनाने, कुरावली भी जाता हूँ, और हमारे बंगाल की भी पड़ती है, जो हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं वो बनाते हैं वहाँ से। तो जो 2400 रुपये क्विंटल परसों आलू बिका था, आप स्वयं व्यापारी हो तो कहीं मंडी बाहर भी 2400 रुपये तक बिका है? नहीं कहीं नहीं बिका। तो ये लोग इतना महंगा आलू खरीद कर स्टोर में रख रहे हैं क्या? अब वो कंपटीशन ले लिया उन्होंने खरीदने के लिए, तो किसी भाव ले लीजिए, बेचने पर पता चलता है क्या उसका बिक्री होगा।
जैसे चार दिन से मंडी के रेट प्रतिदिन डाउन हो रही है, हाँ, जैसे 100 रुपए क्विंटल से 150 रुपए क्विंटल, कभी 50 रुपए। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि कोल्ड स्टोरेज हैं वो फाटक बंद करने लगे हैं। जब कोल्ड पूरे भर रहे हैं तो फिर आलू कहाँ जाएगा, लोडिंग में इतना जा नहीं रहा है, कहीं पड़ता नहीं है। और आज आपने क्या रेट तक कहाँ तक खरीदा है? अरे हमने आज 1351 से 1401 रुपए तक लिया है। बढ़िया आलू 1401 रुपए। हाँ, और हॉलैंड आलू, अच्छा आलू क्या रेट तक खरीदा आपने? 1501 रुपए बिका है ये वाला जो भी अपने वीडियो में फिर दिखा रहे हैं। ये हमारी दुकान का आलू है, 1501 रुपए क्विंटल बिका है। और ऊपर में अच्छे आलू क्या कीमत रही हॉलैंड की? ऊपर में 1700, 1750 वो भी, हाँ वो भी 1750 से एक ट्राली 1800 बिकी है, वो भी कंपटीशन में, वो कंपटीशन में बिकी है। और ये जो सफेद आलू ख्याती और जो पुखराज वगैरह जो हाइब्रिड आलू होते हैं, ये क्या रेट बिके? ये मान चलिए 1000 रुपए से 1400 रुपए तक, 1000 रुपए से लेके 1400 रुपए, 300 रुपए क्विंटल, 3 से 4 दिन में डाउन सस्ता हुआ है, डाउन हुआ। और जो चिप्सोना और 3797 क्या रेट बिके? वो चिप्सोना मंगा है 1400, वो क्या 1401 वाला। अभी हम वीडियो में दिखाएंगे चल के, 1401 रुपए क्विंटल मंगा है इन्होंने, अभी बेचा किसानों ने, किसान ने बेचा नहीं है, 1800 रुपए बेच गया तो वो कैसे बेच रही। एक बात ये और आ जाती है, जो अपरिचित व्यक्ति है पेमेंट की समस्या आती है, कोई भाव लगाने के लिए कोई 100 रुपए महंगा ले ले और बाद में उसके पीछे पीछे कांग घुमा जाए, तो आदमी अपने परिचित को सही उसमें और बेचता है। जैसे अगर किसी को महंगा दे दिया तो व्यापारी को वो चला जाता है, पैसा फंसने की, पैसा आलू का फंसी गया तो हाँ फंस जाता है, हर व्यापारी आड़ती सब परेशान है, हाँ। तो पैसे फंसने की वजह से। तो आप हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से किसानों को या व्यापारियों को कोई, आप सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो? भैया सरकार की तो कोई खरीद हो नहीं रही है, सरकार तो कोई मदद कर नहीं रही किसानों की। दूसरी बात यह है कि जो भी काश्तकार है वो अपना समय के हिसाब से आलू बेचने जहाँ से बेचते हैं वही उसी में फायदा है, भाव कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। और जैसे अगर फरुखाबाद क्षेत्र की बात की जाए और इस मंडी की बात की जाए, तो इस मंडी से स्टोर के लिए कितने परसेंट आलू खरीदा जा रहा है अभी? अभी 30% ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% कोल्ड जा रहा है, बाकी चालानी में जा रहा है, और इसीलिए और डाउन हो रहे हैं चालानी में, कोल्ड वाले होते तो डाउन नहीं। और इस अभी फरुखाबाद क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज कितने परसेंट भर चुके होंगे? इसका सही तो अनुमान नहीं है, क्यों कोल्ड वाले बताते नहीं है, वैसे अनुमान तो ये लग रहा है कि हमारे यहाँ 80% से कम नहीं कोल्ड होंगे। और स्टोर इस साल फुल हो जाएंगे उम्मीद है? फुल तो वैसे ही हो जाएंगे, 15 लाख की कैपेसिटी बड़ी है, उसको एवरेज लगाइए तो और ओवर हो जाएंगे। ये अभी हम आलू आपको दिखा रहे हैं फरुखाबाद मंडी में, 1301 रुपये क्विंटल की आज यहाँ पर बिक्री हुई है। और ये वाला आलू ख्याति आलू है, इसमें चेचक है आलू में, ये आलू बिका है आज 1151 रुपये बिका आज ये आलू। और अभी हम आपको न्यू हॉलैंड आलू दिखाएंगे, वो क्या रेट बिका है। ये आलू आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हॉलैंड आलू है, ये आज 1501 रुपये क्विंटल की बिक्री हुई है फरुखाबाद मंडी में। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? सत प्रकाश। आप किस जगह से आए हुए? सलेमपुर रतन। सलेमपुर से? हाँ। ये जो वीडियो दिखा रही है, कौन सा आलू है आपका? ये ख्याति है। ख्याति आलू है? हाँ। आज ये आलू क्या रेट बिका है? 1351 रुपए। हाँ। और आपके क्षेत्र में आलू खुदाई क्या कैसी हो गई? खुदाई अब खत्म है, चाच देने के लिए रहेगी बस। कितने परसेंट रहेगी होंगी? अरे परसेंटेज का चाच देने के लिए रहेगी, ना चार हुआ है, 10% मान के चला दो। और स्टोर में क्या कैसी स्थिति है, स्टोर में किसान कैसे रख रहे हैं? किसान ले जा रहे, रख रहे, बड़े काश्तकार ज़्यादा रखा, छोटे वाले कम रख रहे। और खेतों में बिक्री होती है, खेतों में क्या रेट डाल? नहीं नहीं, खेतों में हमारी इधर नहीं होती, नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा। ये आलू जो आप देख रहे हैं, ये ख्याति आलू है, और आज ये 1351 रुपये क्विंटल फरुखाबाद मंडी में आलू बिका है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई। क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह। और आपकी फर्म का क्या नाम है? पीएम ट्रेडिंग कंपनी। आज फरुखाबाद मंडी में आप आमदनी कितनी होगी आलू की? आज आमदनी है 40 मोटर। 40 मोटर? लोग 40 50 मोटर सुनने को मिल रही है, 70 से 80 मोटर होगी? नहीं, ये कल से आवक ज़्यादा है या कम है?
कल से आधा ही है, आधी आधी कल आधी कम है, आधी हो गई। और आज फरुखाबाद मंडी में आलू क्या रेट तक बिके आज? ख्याति आलू बिका 1250 से 1350। और लाल आलू हॉलैंड? लाल आलू 1550-1600। और चिप्सोना 1797? अपने पास थोड़ा ही पता नहीं आज क्या रही मार्केट। तो कल से आलू की महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? कल से कुछ डाउन है, महंगा नहीं है, कल से कुछ डाउन है। और अगर फरुखाबाद क्षेत्र में आलू की बात की जाए तो कितने परसेंट खुदाई हो चुकी होगी और कितना रह गया होगा? आलू की खुदाई तो जमीन से हो गई है, कोई 2-4% रह गई। दो चार परसेंट 8 से 10 दिन गए, होली तक, होली से पहले पहले खुदाई खत्म हो जाएगी। और स्टोर की क्या कैसी स्थिति रहती है फरुखाबाद में? स्टोर कोई 70-75 हुए हैं, कोई 50 हुए हैं, औसतन भाई मान के चलिए 65-70 से 70% फुल हो पाएंगे। हाँ। और हमारे इस मंडी में, फरुखाबाद मंडी में कौन कौन सी वैरायटी का ज़्यादातर आलू आता है? यहाँ ख्याति ज़्यादा चलता है, उसके बाद में 97-97 हॉलैंड 15-20%। जो आलू पिछले 2-3 दिनों से सस्ता हो रहा है, 200-300 रुपये क्विंटल सस्ता हो चुका है आलू? 200 रुपये तो कल ही मंडी टूट गई थी, 40-50 आज टूट गई। क्या कारण है, किस वजह से सस्ता हो रहा है? पता नहीं, लिवाल कम हो गया इसलिए सस्ता है। कई जगह सुनने को ये भी बताया जा रहा है कि दागी आलू आने लगा, इस वजह से डाउन हो गया। हाँ। या फिर मंडियों में डिमांड कम है आलू की? परसों के आलू में कुछ चेका आया था, उस वजह से भी फर्क है। या मंडियों में कुछ डिमांड कम है, इस वजह से सस्ता हो रहा है? हाँ हाँ, व्यापारिक डिमांड कम है इसलिए आलू का रेट सस्ता। हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से किसानों को या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो? नहीं, हमारा संदेश कहाँ चलेगा, संदेश तो सरकार का चलता है। जैसे आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव चंद महीनों में होने वाला है, किसानों की या कोई व्यापारियों की तरफ से कोई मांग है इसकी, इसके लिए? चुनाव में व्यापारियों से मांगा है, वोटरों से मांगा है, मोदी गुलाव तिवारम फिर। इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में क्या रेट अभी आलू चल रहा है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।